वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है क्या, इसकी डेली मॉर्निंग में अपनी 8 बजे एक क्लास है जो कि होती है, लेकिन आज सुबह कल गणेश चतुर्थी थी, सॉरी कल अपने जन्माष्टमी थी और कई जगह पे हॉलीडेज था, तो कल सुबह यानी कि आज सुबह जो है ना वो न्यूज़पेपर टाइम पे आ नहीं पाया था। जो अपने ई न्यूज़पेपर जो सुबह 5 बजे आ जाते हैं ना, आज 7:30 बज गए थे, तो सुबह ई न्यूज़पेपर आ नहीं पाए, न्यूज़पेपर आ नहीं पाए तो मैं उनको पढ़ नहीं पाया तो आपका कंटेंट बन नहीं पाया और सुबह क्लास है जो कि अपनी नहीं हो पाई। तो सुबह वाली क्लास को जो कि सुबह 8 बजे होती है वो आज अपन ने रात को 8 बजे जो कि करी है, ताकि आज का आपका करंट अफेयर वो छूटे ना, है ना। डेली हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे अपना कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी ऐसी क्लास अपनी मिस ना हो, रेगुलर हम लोग करते रहें, ठीक है। तो वरना क्या होता, कल सुबह हमें 2 दिन का करंट अफेयर करना पड़ता, तो आई थॉट कि रात को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हमें कोई दिक्कत है, हमें इस तरीके से हमारे ऊपर बर्डन है जो कि नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज अपने सेशन में 30 से 40 मिनट का ये सेशन होगा, है ना, 30 से 40 मिनट का सेशन होगा। टोटल आर्टिकल है जो कि एक बार देख लेते हैं, टोटल मिला के कितने आर्टिकल है जो कि हमें कवर करने हैं। तो द हिंदू के अंदर 4 आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 1 आर्टिकल है, जनसत्ता में 1 आर्टिकल है और PIBPRS में 5 आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 13-14 टोटल आर्टिकल है जो कि हमें कवर करने हैं। ऑल राइट, आज क्लास 24 की टी शर्ट क्यों नहीं पहनी है, क्योंकि मैं आज ये वाली टी शर्ट पहन के गया था, अभी जस्ट ऑफिस से घर आया ही हूँ, कॉन्टेंट मैंने ऑफिस में बना लिया था, तो आते ही जो है मैंने पहले आपकी क्लास कर रहा हूँ इसलिए चेंज नहीं करी टी शर्ट। होपफुली अच्छी लग रही होगी, ऐसी बात नहीं है, ये भी अच्छा ही लग रही होगी ना, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो है ना, तो अपने पास में इंडिया के सारे एग्जाम के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है क्लास 24 पे, जहां पे आपको PDF और सारे के सारे क्लासेस है जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। और आज का कोट ऑफ द डे देख लेते हैं पहले, तो वर्क एज हार्ड एज यू कैन एंड देन बी हैप्पी इन द नॉलेज यू कुडंट हैव डन एनीवन एनीमोर। देखो आपके पास में एक लिमिटेड टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अच्छी नॉलेज है जो कि लेनी होती है। उसके अलावा जो है ना, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो कि सीखने को है, करने को है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर लोड मत लिया करो, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम है। मैं भी ये सोचता हूँ कि यार ये वाली बुक्स भी पढ़ लूँ, ये वाली भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, लेकिन मुझे मालूम है एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है आपके पास में, जिसमें आपको अपनी हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपको अपना करियर, आपको अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती है ज़िंदगी में ना। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जितनी नॉलेज आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आपके करियर के लिए ले सकते हो उतनी लो, और उसके अलावा जो है छोड़ दिया करो, बी हैप्पी, और उसके लिए दुख बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस चीज़ का कोई अंत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को थोड़ा समझेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के लिए हम ये सोचते हैं कि सारी किताबें पढ़ लें, सारे नोट्स पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों के ऊपर अपना शेड्यूल को मैनेज करो, चीज़ें अच्छी होगी और बहुत ही बढ़िया होगी। ऑलराइट, चलिए तो आज के दैनिक के फ्रंट पेज के बारे में बात करते हैं। 14-15 आर्टिकल टोटल कवर करेंगे। क्या होता है जब पार्लियामेंट चल रही होती है ना, तब क्या 2-3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल बढ़ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, तो उस टाइम पे जो है हमारे लिए थोड़ा सेशन बड़ा हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में इकोनॉमिक्स का चर्चा होता है, हिस्ट्री का होता है, पॉलिटी का होता है ना, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, केसेस होते हैं, डेटा होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, उन सब के बारे में चर्चा होती है। तो हमेशा जब आप देखोगे पार्लियामेंट चल रही है तो अपनी क्लास भी थोड़ी बड़ी चलती है, क्योंकि अपने को उनके बारे में बात करना ज़रूरी है ना। वरना अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ 30-40 मिनट के बीच में आपका ये सेशन जो है वो हमेशा इतना ही रखूँ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए ज़्यादा टाइम के इशू में। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली के अंदर जो है ना डायलॉग के ऊपर बात हो रही है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लेकर। आप सभी को मालूम ही है ये इनिशिएटिव क्या है, कि ब्लैक सी जो है जहाँ पे यूक्रेन के अंदर पोर्ट है, जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर वीट और राइस को एक्सपोर्ट किया जाता है, वीट को मेजरली एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पर रशिया ने जो है वो ब्लैक जो ये सी का ग्रेन इनिशिएटिव था जिसको तोड़ दिया था, और उसके बाद में पोर्ट के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत देशों में दोस्तों भूख की प्रॉब्लम हो गई है, महंगाई की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन एक तरीके से बास्केट माना जाता है वीट के लिए, गेहूं के लिए, है ना। वो खुद कंजप्शन नहीं करते लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, सनफ्लावर सीड पल्स बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा भी था। तो उसी को वापस से रिवाइव करने के लिए करा है, जो कि दिल्ली के G20 के अंदर बात करने के लिए बोला गया है।
यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन दोस्तों G20 को ज्वाइन कर लेगा, शेरपास की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहां पर चर्चा हो चुकी है, बात करेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मराठा के अंदर कोटा जो कि महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है, मराठा कोटा को लेकर हर राज्य के अंदर होता है, जैसे कि मराठी करते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर पाटीदार, राजस्थान के अंदर गुजर, हरियाणा के अंदर जाट, इस तरीके से हर राज्यों के अंदर ये मुद्दे हैं जो कि देखने को मिलते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी ये काफी हॉटस्पॉट पे। दिल्ली के अंदर दोस्तों सर्वे कास्ट बेसिस पे करवाया जा रहा था, वो कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, बेल दी गई है दो लोगों को जिनको उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन लॉ रिलीजन लॉ के अंदर पकड़ा गया उसको लेकर। यहाँ पे दोस्तों स्टालिन और मोदी जी के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है सनातन धर्म को लेकर, है ना। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है 12 पॉइंट का एक एजेंडा है जो कि मोदी जी ने रखा है एशियान की, जो वो इंडिया एशियान समिट में गए हुए थे उसको लेकर, तो ये हमने अभी एक दो दिन पहले ही इसके बारे में डिटेल में पड़ी थी। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, हमारे लिए जो जरूरी है वो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन वाला मुद्दा है। आपको मालूम है इंडिया ने ही दोस्तों इसको इनिशिएट किया है, देखो G20 में सारे बड़े कंट्रीज है, है ना, सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पे हो रहा है ना वो कंट्रीज है। पूरी दुनिया की डेवलपमेंट में दोस्तों एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि बेचारा पीछे छूट जाता है, पीछे छूटा आ रहा है, वो है अफ्रीकन यूनियन या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज है सारे अफ्रीकन यूनियन के मेंबर, एक मोरक्को को छोड़ के, है ना, बाकी जहां पे भी कूप होता है उसको भी ये लोग जो है वो बाहर कर देते हैं, लेकिन एक मोरक्को है जो कि इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज है। तो अफ्रीकन यूनियन को भी हमने इंडिया ने बोला था कि भाई इनको क्यों छोड़ रखा है, इनको भी आगे लेके आओ, साथ में लेके आओ, ये भी डेवलपमेंट करे, काम करे। तो अब यूरोपियन यूनियन तो पहले से थी इसके अंदर शामिल, अब अफ्रीकन यूनियन को भी इसके अंदर शामिल है जो कि कर लिया गया है। अब G20 होगा कि 21 होगा उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, वो बाद में होगी, ठीक है। तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी ज्वाइन है जो कि करा लिया जाएगा मेंबरशिप के तौर पे। अभी हालांकि ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों ग्रुपिंग हुई है, चाइना ने भी इसको एग्री कर लिया, रशिया ने भी एग्री कर लिया, इंडिया एग्री कर ही रहा था, इंडिया का इनिशिएटिव था, बाकी पूरे दुनिया के देशों को प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली जो है ये इंक्लूड इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये अफ्रीकन यूनियन है, सारे अफ्रीकन कंट्रीज है, कुछ कंट्रीज को देख सकते हो आप यहाँ पे सस्पेंड कर रखा है, बिकॉज जहां जहां पे मिलिट्री कूप होता है डेमोक्रेसी नहीं होती है, ये लोग उनको शामिल है जो कि नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अडिस अबाबा पॉलिटिकल सेंटर है सबसे बड़ा, कायरोस है ना सबसे बड़ी यहाँ पे सिटी है, अरेबिक इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज चलती है, 55 कंट्रीज इसके मेंबर है, 9 ऑब्जर्वर है इसके अंदर, चेयरपर्सन यहाँ पे अजाली करके है, और है ना सिरते डिक्लेरेशन हुई थी 1999 के अंदर, तब इसका फॉर्मेशन हुआ, 2002 में इसका ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, साउथ सुडान 2011 में आया, मोरक्को 2017 में आया, है ना, और मोनैको है, मोरक्को तो इसमें शामिल है, मोनैको करके, मोनैको भी नहीं है यार, ऐसे कुछ कंट्री है, मोरक्को तो यहाँ पे शामिल हो चुका है इसके अंदर, है ना, एक कंट्री है मेरे ख्याल से मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। आपसे बात कैसे हो सकती है अमन, अपन बात करते रहे और कैसे कर रहे हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो अमन जो भी आपका डाउट है ना आप यहां पे लिख दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भूषण मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द जॉब इश्यू, कोई बात नहीं यार, एक ही बात है, तो मोरक्को ने भी इसको ज्वाइन कर रखा है जो कि मैं आपको बता रहा था। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कंट्रीज ही हैं, आप देख सकते हो सस्पेंडेड है कुछ कंट्रीज, अदरवाइज सारे के सारे ही हैं। चलिए, तो 2017 में इसमें ज्वाइन किया था, है ना, मुझे याद है जब पढ़ा था अफ्रीकन यूनियन पहली बार तब मोरक्को उसके अंदर शामिल नहीं था। पॉपुलेशन दोस्तों 1.3 बिलियन है, हमारी पॉपुलेशन और पूरे अफ्रीकन यूनियन की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ी बहुत कम है, तो आप हमारे बराबर पॉपुलेशन है इनकी। GDP पर कैपिटा अगर आप देखोगे पूरे अफ्रीकन यूनियन की $2,000 पर पर्सन पर ईयर से भी कम है, यानी कि बहुत ही गरीब है। HDI के अंदर दोस्तों मीडियम है, ये G20 कंट्रीज है सारे के सारे, आप देख सकते हो जो रेड के अंदर ये सारे मेंबर हैं, है ना। चलिए, और नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हीट इंडेक्स के बारे में, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि ये हीट इंडेक्स होता क्या है, पहला सवाल तो ये है। देखो हीट इंडेक्स क्या है, कितनी गर्मी आपको लगती है उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, वो हीट इंडेक्स के थ्रू करोगे। नॉर्मली ये माना जाता है हमारी जो कैपेसिटी है ना 67 डिग्री सेल्सियस,
67 डिग्री सेल्सियस जब लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये नहीं है कि 67 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 67 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हीट इंडेक्स होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसको टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले है ना, टर्की के अंदर, ईरान के अंदर और यूएस के अंदर बहुत जगह पे हीट इंडेक्स जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया, 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स में क्या होता है, आपको गर्मी कितनी फील हो रही है आपकी बॉडी को वो मेजरमेंट होता है। अब इसके अंदर ह्यूमिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हॉट एयर के अंदर ज़्यादा एयर होती है, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कई जगह पे जब हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो वहाँ पे क्या करते हैं, वार्निंग साइन है जो कि डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, इसको एपरेंट टेम्परेचर भी दोस्तों कहते हैं। कितनी गर्मी फील हो रही है वो हीट इंडेक्स के द्वारा मेजर है जो कि किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो फॉर्मूला है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, ये डॉक्टर रोबोट करके एक प्रोफेसर थे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के अंदर, उनके द्वारा कोलोराडो यूनिवर्सिटी में 1979 के अंदर है जो कि इसका फॉर्मूला दिया गया था, है ना। एक पब्लिकेशन के अंदर इन्होंने ये पूरा डाटा है जो कि लिखा, इन्होंने बोला कि भाई पुरुष हो कि महिला हो, 1.7 मीटर हाइट हो, 67 वेट हो, उसको कितनी गर्मी जो है लग सकती है नॉर्मल से ज्यादा, उसके ऊपर है जो कि ये पूरी स्टडी करी गई थी। समझ गए। ड्यू पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यू पॉइंट होता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस लिक्विड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसको हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं। समझ गए। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अलावा, ड्यू पॉइंट भी हीट इंडेक्स को मेजर करने में। तो जो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये कितना टेम्परेचर होता है, ये सारे ही अपने आप में सवाल है जो कि आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। समझ गए। चलिए, तो 14 डिग्री सेल्सियस है जो कि हम लोग ड्यू पॉइंट इस कैलकुलेशन के अंदर मेजर करते हैं, है ना। ऑल राइट, चलो ठीक है। हमारे बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री, 36.1 से 37.2 डिग्री सेल्सियस है जो कि हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है जो कि हमारी बॉडी मेंटेन करती है ना। चलिए ठीक है, तो यही सारी है। ईरान के बारे में बताया गया है, हीट इंडेक्स की डेफिनेशन है, किसने इसको बनाया और कैसे इसको मेजर करते हैं, ये सारा का सारा डाटा इसके अंदर दे रखा है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 16, वेस्ट बंगाल को लेकर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आदित्य एलवन के द्वारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक है जो कि हमारे पास में भेजी गई है। पोयला बैसाख, ये दोस्तों जो है ना, ये जो फेस्टिवल है ना, ये बैसाख जो है वेस्ट बंगाल का दोस्तों फाउंडेशन डे है जो कि ऑफिशियली घोषित है, जो कि कर दिया गया है। समझ गए। पहले क्या हुआ था कि जो गवर्नर है ना, उसने 20 जून को दोस्तों वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे है जो कि रखा था, जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा देखो भाई, हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, मंत्री जी हमारे पास, एमएलए हमारे पास, विधानसभा हमारी, तो दिन भी हम ही डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने 15 अप्रैल जो कि नॉर्मली पोयला बैसाख का दिन माना जाता है, उसमें रेजोल्यूशन पास करवा के दोस्तों ये बंगाली कैलेंडर का पहला दिन माना जाता है, उसी को वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे है जो कि घोषित है, जो कि किया गया है। मैक्सिमम 167 एमएलए ने अपनी रजामंदी है जो कि यहां पे दे दी है। ओके, कहां गया माइक एक बार। तो यहां पे स्टेट ने जो है अपनी रजामंदी दे दी है। वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों स्टेट है। आप सभी को मालूम ही है कि जब ब्रिटिशर्स सबसे पहले इसी, थोड़ा बहुत कट रहा है ना ऊपर की साइड, एक मिनट, अभी ठीक है। हाँ, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कोलकाता के अंदर आकर ही दोस्तों डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, और कई बार ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स को वापस बुलाना पड़ेगा, साइमन कम बैक। ठीक है, कोलकाता का वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट रुक गया है, थोड़ा वापस से स्टार्ट करो। कोलकाता तो खैर ठीक है, डेवलपमेंट है, उसके अलावा अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कलकत्ता कैपिटल है। फाउंडेशन डे की बात करें, फाउंडेशन 1950 है ना, कलकत्ता ही पहले कैपिटल होती थी, बाद में दिल्ली जो है वो बनाई गई। और पॉपुलेशन आप देख सकते हो तो नियर बाय 10 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में चौथे नंबर पे है। 1000 किलोमीटर स्क्वायर डेंसिटी है। लिटरेसी 76%, सेक्स रेशियो 950, 295 विधानसभा, 42 लोकसभा और 16 राज्यसभा की सीटें, 23 डिस्ट्रिक्ट है, अभी डिस्ट्रिक्ट भी थोड़े बढ़ाए जा रहे हैं। इंग्लिश और बंगाली दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। देबार लेक दोस्तों बहुत ही फेमस है, और रविंद्र सरोवर है, और दामोदर है, हुगली रिवर है ना, सुबर्णरेखा, तिस्ता, तौरसा, ये सारे रिवर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईडन गार्डन बहुत फेमस स्टेडियम है। फोक डांस के अंदर गंभीरा, कथी, ये इंपॉर्टेंट है।
बुक्सा टाइगर रिजर्व, सिंगालीला, जल्दापारा, सुंदरबन, ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इन्हीं के नाम पर है। इसके अलावा ये हावड़ा ब्रिज है आप सभी लोगों के सामने, एक चाउ डांस है यहाँ पे दोस्तों। सुंदरबन नेशनल पार्क दिखा रखा है, दार्जिलिंग दिखा रखा है ना, ये सुंदरबन हो गया, काली टेम्पल है। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। 15 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन हुआ और आनंद बोस है जो कि अभी गवर्नर है, सीएम ममता बनर्जी हो गई, ठीक है। 294 विधानसभा की सीटें आपको देखने को मिलती है। चलिए इसके अलावा हाईएस्ट एलिवेशन यहाँ पे क्या है, संदकफू, ये हाईएस्ट एलिवेशन है जो कि 3500 मीटर के ऊपर है। इसके अलावा एसडीआई के अंदर मीडियम है, लिटरेसी 80% के आसपास है जो कि पहुंच गई है। और इलिश यहाँ पे स्टेट की फिश है, फ्लावर जैस्मिन स्टेट का फ्लावर है, मैंगो फ्रूट है, मैम्बल फिशिंग कैट है ना, ये सारे के सारे स्टेट के सिंबल्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 17, यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे यूके को लेकर। यूके ने दोस्तों वापस से यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया है। अब आप बोलोगे सर ब्रेग्जिट तो हुआ था, ब्रेग्जिट के बाद वापस किसे ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, पूरे ईयू को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जो ईयू का दोस्तों साइंस रिसर्च प्रोग्राम है ना, इसको यूके ने ज्वाइन है जो कि कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब ईयू का जो ये प्रोजेक्ट है वो 100 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन का, साइंस के ऊपर इतना खतरनाक लेवल के ऊपर ये लोग काम करते हैं, 100 बिलियन डॉलर, तो इतना बजट है इसका। तो यूरोपियन यूनियन को फिर से जो है वो यूके ने ज्वाइन कर लिया है, ब्रिटेन ने ज्वाइन कर लिया है, ताकि साथ में मिलकर है जो कि काम कर सके, ठीक है। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दोस्तों रिलीफ है जो कि उनको मिली है, क्योंकि काफी मदद है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी, क्योंकि ब्रेग्जिट होने के बाद में यूके की भी हालत बहुत ही खराब है, ठीक है। तो दोनों कोलैबोरेशन करके जो है इसके ऊपर काम करेंगे, और क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो खैर आप बाद में पता लगेगा। और ईयू और ब्रिटेन के बीच में मुद्दा भी अभी भी लड़ाई चल रही है आयरलैंड को लेकर, आयरलैंड की बॉर्डर का है ना, उसको कैसे काम करेंगे, कैसे मिलकर देखेंगे करेंगे, उसको लेकर अभी भी जो है वो काफी चर्चा का विषय है उसके ऊपर। बाकी सारी चीजें तो अभी तक रिजॉल्व है जो कि मुद्दे हो चुके हैं, ठीक है। दोनों के बीच में जो डील है वो काफी टेंशन में आ गई थी नेगोशिएशन को लेकर, कि कैसे जो है वो आयरलैंड और यूके और साथ में यूरोपियन यूनियन मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक तरीके से लिजार्ड है ना, उसके तरह का जो आपको मैप देखने को मिलेगा, ये यूरोपियन यूनियन का है और पेरिस सबसे बड़ी यहाँ पे सिटी है, और 27 मेंबर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो यूर्सेला वॉन्डर है। इसके अलावा पार्लियामेंट है यहाँ पे, इनकी खुद की सेक्रेटरीट है, इनकी खुद के जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सब कुछ है जो कि इन्होंने बना रखा है। कई सारी ट्रीटी है, लास्ट में जो हुई थी वो ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई है, उससे पहले मैस्ट्रिच की ट्रीटी हुई थी, फिर उससे पहले रोम है, पेरिस है, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स हुई थी जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया साथ में मिलकर काम करना है ना, ब्रुसेल्स, पेरिस एंड रोम, ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, उसके बाद में इनका फॉर्मेशन जो कि हुआ। पॉपुलेशन आप देख सकते हो 44 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, पर कैपिटा इनकम देखो, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जहां के पर कैपिटा इनकम $2000 पर पर्सन भी नहीं है, एक यूरोपियन यूनियन है जिनके पर कैपिटा इनकम $40,000 पर पर्सन पर ईयर है। मतलब आप देखिए कि बोलते ना किस्मत, एक अफ्रीका में बच्चा पैदा हो रहा है, एक यूरोप में पैदा हो रहा है, यूरोप में पैदा होने वाला बच्चे का ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है ना। यूरो यहां पे दोस्तों करेंसी है जो कि चलती है। चलिए इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो कमला हैरिस है जो कि आपको बीच में G20 के अंदर आपको देखने को मिलेगी, मोदी जी है, और साइड में जो है जकार्ता के हेड है, मतलब वहां के मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, साथ में वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। एशियान और इंडिया का जो समिट था ना उसके अंदर ही है, G20 में तो बाइडेन आए हुए, कमला हैरिस नहीं आई हुई है। ये फ्रंट पेज है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है लॉर्ड ऑफ डांस, जो कि हमारे कुछ दिन पहले भी हमने दोस्तों पढ़ा था नटराज के बारे में। नटराज आप सभी को मालूम है एक बहुत बड़ा अभी एक स्टैचू वो बनाया है, क्या बोलते हैं इसका, एक पूरा का पूरा स्टैचू है जो कि बनाया गया, जो कि काफी बड़ा है ना, 20 फीट से भी ज्यादा का बड़ा, 27 फीट का और 18 टन का इसका वेट है नटराज का। नटराज आप सभी को मालूम है लॉर्ड शिवा के दोस्तों डांस पोज को जो है वो माना जाता है। चोल साम्राज्य के टाइम पे, चोल साम्राज्य कब था, चोल साम्राज्य के टाइम पे यानी कि 9 से लेकर 11वीं शताब्दी में दोस्तों इसके ऊपर ये तीन टेम्पल है जो कि दोस्तों बनाए गए थे, जहां से पहली बार नटराज पोज या फिर नटराज डांस के बारे में जो है वो पता चला था। ये तीन टेम्पल आपको ध्यान रखने, पेपर में सवाल बन के आएगा। सबसे पहले तो है नटराज टेम्पल चिदम्बरम के अंदर, एक महेश्वर टेम्पल है ना कौनजी राजपुरम के अंदर, और एक बृदेश्वर टेम्पल है तंजावुर के अंदर। ये तीन टेम्पल के अंदर जो है ये नटराज के स्टैचू है जो कि सबसे पहले बनाया गया,
और वहीं के लोगों को जो है अभी टेंडर भी दिया गया था काम करने के लिए। 9वीं से 11वीं शताब्दी के टाइम पे जो चोल साम्राज्य था उन्हीं के टाइम पे दोस्तों इसको आगे है जो कि बढ़ाया गया। हालांकि कह रही है 5वीं सेंचुरी AD में पहली बार बनाया गया, लेकिन जो फेमस हुए थे ना चोल साम्राज्य के टाइम पे देखने को मिले थे, समझ गए। तो वही पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। द वॉन्डर दैट वॉज इंडिया 1954 के अंदर एक क्लासिक स्टोरीज भी जो है वो लिखी गई थी, शिवा को डेथ एंड टाइम डिस्ट्रॉयर है जो कि बताया गया था, आप सभी को मालूम ही है। जैसे कि ब्रह्मा क्रिएटर है दोस्तों, शिवा जो है वो डिस्ट्रॉयर है जो कि माने जाते हैं, ठीक है, सिंबोलिज्म। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि है हमारे जापान के मून मिशन को लेकर। जैसे कि अभी हमने मून मिशन किया, जापान भी दोस्तों अपना मून मिशन है जो कि कर रहा है और फरवरी तक जो है एक्सपेक्टेड है कि वो लैंड कर लेगा। 5वां कंट्री है जो कि बन जाएगा अगर वो प्रॉपर तरीके से लैंडिंग कर पाया तो। जक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है उसने रॉकेट है जो कि ये भेजा है दोस्तों, और ठीक है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, स्लिम इसका नाम है जो कि रखा गया, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके द्वारा भेजा गया है, समझ गए। और मून स्नाइपर भी इसको बोला गया है, मून स्नाइपर है ना। 100 मीटर जो साइट है दोस्तों लूनर सरफेस की, वहां पे इसको उतारा जाएगा। $100 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है जो कि फरवरी तक अप्रोच करेगा यहाँ पे। होपफुली इनका भी सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इससे पहले भी जापान ने एक दो बार भेज चुके हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। अगर आप देखोगे तो जापान विच कंट्रीज हैव बीन टू द मून, तो कौन से कंट्रीज है जिन्होंने लैंड करवाया, ऑर्बिट किया या फिर मून तक फ्लाई किया। तो सक्सेसफुल की बात करें तो US सबसे ज्यादा, USSR, चाइना, जापान और तीसरे नंबर पे इंडिया। ऑलराइट, अब वहां पे जाके इनके मिशन का कितना मोटिव हुआ वो बात नहीं कर रहे हम लोग कि उनका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कितने मिशन जो है वो मून तक पहुंच गए उसके बारे में बताया गया है। US सबसे ज्यादा, USA, USSR, चाइना, जापान, इंडिया। हम लोग अभी जो है टोटल मून मिशन में 3 के साथ में हम लोग अभी 5वें नंबर पे। जापान भेज चुका है वैसे 5, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते, प्रॉब्लम ये है जापान के। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1960 के अंदर लूना टू जो था ना USSR का, वो पहला लूनर मिशन था, फर्स्ट टू रीच लूनर सरफेस, ये पहला था 1960 के टाइम पे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। फिर लूना 9 गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, ये भी बहुत पुरानी बात है 1965 के आसपास की। उसके बाद में अपोलो 11 गया पहली बार इंसान को लेकर, उससे पहले लूना 2 और लूना 9 दो बार ऑलरेडी USSR कर चुका था अचीव, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुका था। सोचिए इतने जमाने पहले, आज नहीं कर पा रहा रशिया लेकिन उस जमाने में कर चुका था। तो उसके बाद में अमेरिका का दिमाग खराब हुआ, अमेरिका ने आदमी भेज दिया, ठीक है, अपोलो 11 के बाद में। उसके अलावा चैंग 5 जो है ये भी भेजा गया चाइना के द्वारा, इसने सैंपल कलेक्ट करे। लूना 24 लास्ट मिशन था जो कि लूनर के सरफेस लेके आया, मतलब लूनर के सैंपल लेके आया था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12, 13 नहीं हुआ, 14, 15, 16, 17 जो था वो लास्ट अपोलो मिशन था जो कि करवाया गया। इससे पहले चैंग 3 भी करवाया गया जो कि पहला चाइना का लैंडर था जो कि मून के सरफेस के ऊपर पहुंचा था। उसके अलावा दोस्तों अभी लूना 25 भी भेजा गया 47 बाद में जो कि क्रैश हो गया। हमने भी दोस्तों चंद्रयान 3 है जो कि भेजा, सक्सेसफुल लैंडिंग है जो कि साउथ पोल के अंदर करवा डाली। तो ये सारे कंट्रीज है जिनके मून मिशन है जो कि काफी फेमस है। आगे बात करते हैं संदेश के बारे में। संदेश दोस्तों, संदेश आते हैं उस गाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। संदेश एक एप्लीकेशन है जो कि हमने खुद ने बनाई है। G20 में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सिक्योरिटी वाला दोस्तों व्हाट्सएप पे काम नहीं करेगा, संदेश एप्लीकेशन के ऊपर काम करेगा। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों ये एप्लीकेशन है जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है स्पेशली G20 के लिए, स्पेशली G20 के लिए है जो कि इसको बनाया गया है। सर आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करते हो क्या? कर देंगे अमन, आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर देंगे। आप तो भेजो अपना क्वेश्चन जो भी है, मैं यूज करता नहीं हूँ। खैर कुछ वीडियो डाले थे अभी इंस्टाग्राम के ऊपर, वापस से एक बच्चे ने जो है थोड़ा आपकी बोला था रिकॉर्ड एडिटिंग करके वो डाल देंगे, तो उन्होंने डाल दिए थे। आप भेज देना, आप ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी आंसर कर देंगे। चलो ठीक है भूषण, आपकी बात सही है, करेंगे इस वाले सेशन को भी, है ना, डाउट सेशन को भी कर लेंगे। चलो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय सरकार के द्वारा दोस्तों बनाई गई एप्लीकेशन सुरक्षा कवच, स्वदेशी ऐप जो कि ये बनाई गई है सुरक्षा को लेकर। ऑलराइट, यहाँ पे G20 के लिए स्पेशली इसको डिजाइन है जो कि किया गया है।
दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इसी के ऊपर काम करेगी। आगे बात करते हैं ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार 23, ये क्या है? ये इजिप्ट के द्वारा एक दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जा रही है और इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया के अंदर इसको करवाया जा रहा है। 34 कंट्रीज है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो फेजेस में दोस्तों इसको, एक हार्बर फेज में और एक सी फेज के अंदर इसको करवाया जा रहा है। इंडियन नेवी भी दोस्तों पहली बार ब्राइट स्टार के अंदर पार्टिसिपेशन है जो कि करने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों एशिया पैसिफिक ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस के बारे में। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन का एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन राइट के ऊपर काम करता है, उसका उस ऑफिस का इनॉग्रेशन दिल्ली के अंदर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज हमारे NHRC के द्वारा ही किया गया है। एशिया पैसिफिक फोरम जो है ना, उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारा नेशनल लेवल का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके साथ में मिलकर है जो कि इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, 75th जो हमारी एनिवर्सरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ओके, उसको लेकर है जो कि इसको करवाया गया। 10th of December को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है जो कि मनाया जाता है। ठीक है गाइज, हमारे इंडिया में NHRC की शुरुआत 1993 के अंदर जो कि करी गई थी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो कि आया था, बाद में इसको अमेंडमेंट भी 2006 के अंदर किया गया। अब क्या होता है कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, उसके चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा, या तो रिटायर्ड CJI या फिर कोई भी जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी बन सकता है। पहले तो सिर्फ CJI था रिटायर्ड, फिर बाद में जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी जो रिटायर्ड है उसको भी चेयरपर्सन बनाने के लिए बोला गया। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, एक कमिटी होती है वो रिकमेंडेशन करती है, जिसके अंदर PM होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कि होता है इस तरीके से, और एक यूनियन होम मिनिस्टर होता है। तो ये 5 लोगों का कमिटी है, ये मिलकर डिसाइड करता है। 5 में से देखो सरकार के कितने हैं, 1, 2, 3, 4 तो सरकार के ही है इसमें, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। टेन्योर होता है 3 साल और 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए, ओके। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी कर सकते हैं। इनकी समस्या बहुत बुरी है बेचारों की। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलने में तो बहुत बड़ी बॉडी है और एक्ट भी बना रखा है, लेकिन बेचारों के पास पावर नहीं है। इनके जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं। मतलब एक तो प्रॉब्लम यह है कि ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते खुद के केसेस को, 1 साल से पुराना जो होगा उसको विटनेस भी नहीं कर सकते, किसी को पैलेंटी नहीं दे सकते, है ना। कौन से जज होंगे, कौन से फील्ड के होंगे, ह्यूमन राइट का उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं है, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर होता है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, तो उसके अंदर भी ये बेचारे कुछ नहीं कर सकते। कोई स्टैचुरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई जो मेंबर बनेंगे इसके वो अकेडमिशियन होंगे, महिलाएं होंगी, NGO के होंगे, मेंबर होंगे, कोई ऐसी स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट केस भी इसके अंदर नहीं बता रखी है, है ना। तो कुल मिला के NHRC बना रखा है लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड EV डे के बारे में। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी दोस्तों 9 सितंबर को पूरी दुनिया में EV डे है जो कि मनाया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में दोस्तों हम लोग EV व्हीकल को आगे बढ़ा सके। आज से 5 साल बाद में भारत में जो 4 गाड़ियां बिकेगी ना, उसमें से 1 EV बिकेगी, ओके। EV बहुत तेजी से जो है वो पूरी दुनिया में फैल रही है, हमें भी बहुत जरूरत है क्योंकि क्लाइमेट को हम लोग कंट्रोल कर सके, बेहतर बना सके, समझ गए, इमिशंस को रोक सके। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा EV व्हीकल जो तेजी से बिके हैं, अगर 100 व्हीकल बिक रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो EV व्हीकल बिकेंगे ना, वो नॉर्वे में बिकेंगे, उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, यानी कि ये जो कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने वक्त से पहले ही EV अब अडॉप्ट कर ली। चाइना भी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर के बारे में बात करूँ तो चाइना ही बेचता है। अब देखो फर्क देखो, 12 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां हैं जो कि हर साल चाइना बेच रहा है, जर्मनी, फिर US, फिर फ्रांस, हम लोग कहीं पर भी नहीं है। हमारे अभी तो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन की भी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं इंडिया के पॉन्ड मैन। इंडिया के पॉन्ड मैन कौन है, जिन्होंने दोस्तों तालाबों को, लेक के ऊपर काफी काम किया है? तो रामवीर तनवार, रामवीर तनवार दोस्तों इंडिया के पॉन्ड मैन के तौर पर जाने जाते हैं। नोएडा के रहने वाले हैं। जब ये कॉलेज में थे, इन्होंने देखा कि बहुत सारे लेक है, पॉन्ड है, तालाब है, ये सब जो है खत्म हो रहे हैं, तो इन्होंने काम करना स्टार्ट किया उनके ऊपर। तब जॉब के साथ में फिर इन्होंने वॉलंटरली करना चालू किया, NGO बनाया। NGO का नाम है इनका, इनके NGO का नाम बता देता हूँ मैं आपको, से अर्थ के नाम से दोस्तों इनका NGO है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज है, जो कि लोग जो है वो लेक को क्लीन करते हैं, काम करते हैं। जन चौपाल भी दोस्तों ये ऑर्गेनाइज है जो कि करवाते हैं। ठीक है, चलिए, 2 साल काम करने के बाद 2020 में जो इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट कर दिया। आगे बात करते हैं जो है भारत ड्रोन शक्ति को लेकर। ये क्या है, भारत ड्रोन शक्ति एक इनिशिएटिव है जो कि दोस्तों किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और साथ में हमारे यहाँ पे जो ड्रोन फेडरेशन है
उनके द्वारा मिलकर है जो कि गाजियाबाद में इस इनिशिएटिव को करवाया गया। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो ड्रोन कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेटर्स है, उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर है जो कि काम कर सके। 50 लाइव एरियल डेमोस्ट्रेशन है जो कि अलग अलग प्रकार के दोस्तों ड्रोन को किया गया, जिसमें सर्वे करना, एग्रीकल्चर, फायर, टेक्टिकल सर्विलियंस, बहुत सारी चीज़ों के लिए दोस्तों ड्रोन जो है वो काम में लिया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया जो है हम लोग ग्लोबल ड्रोन का हब बन जाए 2030 तक। डिलीवरी के अंदर, डिफेंस में, हर जगह पर ड्रोन की सेवाएं काम में आती है। ऑलराइट, सीजीएल टीयर 1 2023 का जो पेपर हुआ 17 जुलाई को, कैसे कैसे करंट अफेयर के सवाल पूछे गए एक बार चेक कर लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया भारत के दोस्तों पैरालंपिक के अंदर रैंकिंग क्या थी, तो 24 रैंकिंग थी दोस्तों हमारे पैरालंपिक के अंदर, यह आंसर होगा। दूसरा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सोशल जस्टिस का 2021 का किसको मिला, तो ये मिला था अनिल प्रकाश जी को, ये सवाल पूछा गया। एक और सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर एक फैसला सुनाया, कौन सा ये केस था, तो ये जो केस था डिसेबिलिटी वाला, ये स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ है, जोसेफ ने दोस्तों किया था, एम्बेसडर बने थे, तो वो कौन से स्टूडेंट के लिए था, देखो कितने डीप सवाल है, तो ये 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए था, हमने इसको कवर भी किया था, अच्छे से पढ़ा भी था। इसमें मोदी जी ने दोस्तों श्री गुरु नानक देव जी का कौन सा पर्व को जो है वो सेलिब्रेट किया 2022 में, तो ये कौन सा था, 52 या 53 था ये मेरे ख्याल से, तो ये 53 आपको देखने को मिलता है, है ना। पद्मश्री अवार्डी अर्जुन सिंह जी को, ट्राइबल डांसर है दोस्तों, कौन से ट्राइबल डांस है जो कि डांस फॉर्म के फेमस पर्सन है, ये सवाल पूछा गया, आंसर हो जाएगा आपका बाएगा, ये आपका सही आंसर होगा। एक सवाल है, 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहां पे करवाया जाएगा, 2031, अभी तो 23 ही है, अभी तो 23 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तो इंडिया में हो ही रहा है, 2031 का जो होगा वो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर होगा दोस्तों, पहले से डिसाइड है जो कि हो चुका है। ओके, इसके अलावा स्किल 24 पे जाके आप स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको स्किल सिखाएंगे, आपको इंटर्नशिप दिलवाएंगे, कैसे आपको जॉब मिलेगी, कैसे मिल सकती है, वो सब भी पूरी कोशिश करेंगे, जगह बताएंगे, कहाँ पे अप्रोच करना है, कैसे करना है, और अगर आप बहुत अच्छे हो, आपने स्किल सीखी है, तो हो सकता है आपको क्लास 24 में भी जॉब मिल जाए। ऑलराइट, इसके अलावा क्लास 24 की एप्लीकेशन पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, हर संडे को टेस्ट, फ्री टेस्ट एसएससी, रेलवे, करंट अफेयर का, सारे एग्जाम का आपको मिलेगा, सीजीएल, आरएएस, सारे के सारे एग्जाम के आपके प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो आप। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, कल सुबह वापस से मिलेंगे जल्दी ही। रेहान यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं, तो देखो रेहान, अगर 2017 का सवाल कोई पूछ रहा है तो आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, समझ गए, तो चिंता मत करो, या वो नंबर जो है वो सबके लिए वेस्ट हो गए एक तरीके से। ऐसे सवाल का कोई तात्पर्य नहीं है, जब एक साल से ज्यादा का करंट अफेयर पूछ लिया जाए ना, तो यकीन मानो ना तो आपको आएगा ना किसी और को आएगा, समझ गए, तो चिंता मत, मुक्त रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।